पे फतेहा कोई आए क्यों, पे फतेहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, पे फतेहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेबसी की मजार हूँ, नहीं हूँ नगमाए जाफिजा मुझे सुन के कोई करेगा क्या, नहीं हूँ नगमाए जाफिजा मुझे सुन के कोई करेगा क्या, मैं बड़े वियोग की हूँ सदा, मैं बड़े दुखों की पुकार हूँ, मैं बड़े दुखों की पुकार हूँ, मैं बड़े। देखो एक क्वेश्चन जो है ना ये वाला, ये हमने लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में किया है, बट ये है ना, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भी हो सकता है। मतलब पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया था, अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज अपन कर रहे हैं। कैसे देखो, पुट कर देते हैं इसके अंदर x इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर, इसलिए अगर ए स्क्वायर नहीं होता तो ओनली साइन थीटा पुट करते। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ये होगा ए कॉस थीटा और डी थीटा, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर फोर और साइन रेस टू पावर फोर इंटू ए कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है। अच्छा इसके बाद बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या। देखो ऊपर साइड जो है न्यूमरेटर में, उसमें से आप एक काम करो, ए बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, बट वो रूट लगा हुआ इसलिए ए बाहर आएगा, ए बाहर आ गया, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का अगर रूट लगा हो तो क्या होगा, हट जाएगा रूट, ये हट गया। अच्छा नीचे कितना आएगा, ए रेस टू पावर फोर और साइन रेस टू पावर फोर, ठीक है, इंटू 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 कॉस थीटा और डी थीटा। पानी की प्यास लगी यार, पानी की प्यास लगी है, शक्ति आ गई। अब देखो ये ए भी आएगा ना, ये भूल गए तुम लोग है ना, ये पावर काट दो, इसका मतलब वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे कितना, नीचे कितना, नीचे कितना, साइन रेस टू पावर फोर डी थीटा, मतलब डी थीटा ऊपर साइन रेस टू पावर फोर, ये वन अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो दो पावर कॉस के नीचे करता हूं तो तुम जानते हो वो कॉट स्क्वायर बन जाएगा, और वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ओके ओके ओके। अब क्या करें, अब क्या करेंगे भाई,
कहाँ जाएंगे भाई? अब क्या करेंगे बता? अभी देख कुछ नहीं, कॉट पुट कर दो, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब मैं पुट कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ कॉट एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा पुट करेंगे तो डी थीटा इक्वल टू डी टी, बट माइनस में होता है तो माइनस यहाँ लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर, ये जो है ये इसकी वैल्यू तो टी स्क्वायर हो जाएगी, ये होगी टी स्क्वायर होगी भाई। एक बार अपने थीटा पुट किया, वापस टी पुट किया, हाँ तो ठीक चलेगा, है ना, थीटा पेटा कर सके, टी पुट किया मैंने। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ये चला गया डी टी में, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको लिख देंगे डी टी, बट ये क्या लगा है? माइनस, तो देखो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, मुझे माइनस से बहुत डर लगता है क्योंकि माइनस लिखना मैं भूल जाता हूँ, बट कभी भूल जाऊँ तो प्लीज़ ओम शांति शांति ही। अभी देखो माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? टी क्यू अपॉन थ्री, इसका मतलब माइनस वन अपॉन थ्री ए स्क्वायर,